नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृत्यु चंदेल। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों में टॉय ट्रेन सर्विस शुरू हो गई है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे ने 30 अगस्त से न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच टॉय ट्रेन जंगल टी सफारी शुरू की है। बता दें, स्टीम इंजन से चलने वाली ये टॉय ट्रेन सिलीगुड़ी जंक्शन से रांगटांग तक सैर कराएगी, जिसके विस्टोडम कोच से कुदरत के अद्भुत नज़ारे का दिलकश दीदार कर सकेंगे। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की प्रसिद्ध इस टॉय ट्रेन को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर चुका है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच खूबसूरत वादियों से दौड़ने वाली टॉय ट्रेन एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ने से पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें, इस टॉय ट्रेन का ट्रैक बेहद सर्पिला है, यानी ट्रेन किसी सांप की तरह पहाड़ों के बीच से होकर गुजरती है। बता दें कि कोरोना के बीच टॉय ट्रेन को बंद करा दिया गया था, अब करीब 1.5 साल बाद इस फिर से शुरू किया गया है। टॉय ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। जानकारी के मुताबिक न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच 78 किलोमीटर दूरी पर प्रतिदिन ये टॉय ट्रेन चलेगी। टॉय ट्रेन के फिर से शुरू होने से पर्यटक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ट्रेन के माध्यम से पर्यटक जंगलों और चाय बागानों की सुंदरता का आनंद उठा सकेंगे। इस खबर फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।